तो हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो एंड माय चैनल ब्लॉग विद पटेल। तो दोस्तों, अभी देखो आपके पीछे जो है गाड़ी खड़ी है, बाइक, और मेरे साथ जो है रविरंजन है और यह है दिव्यांशु। तो आज है संडे, सुपर संडे, एंजॉय का दिन। और आप देखो हल्की हल्की जो है धूप खिली है, उतनी ठंड है नहीं। कल था 27 जनवरी, कल बहुत ज्यादा धूप थी और आज है 28 जनवरी। तो आज भी दोपहर जाते जाते कल ही जैसी धूप हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो मेरे पीछे थार खड़ी है, तो ये थार है प्रदीप भाई जी की, जो हम लोग के मकान मालिक हैं। तो गाइस देखो थार का जो है लुक बहुत जबरदस्त एसयूवी है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि बढ़ते हैं आगे, ठीक है, और आपको दिखाते हैं कि जो बाइक का सिचुएशन है वो जो है कितना सिचुएशन खराब है। खराब आई मीन गंदी हो चुकी है बाइक, डर्टी हो चुकी है। तो इस बाइक को जो भी वहां क्लीन करना है। कॉलेज के छात्र संघ के जुझारू उम्मीदवार अजीत पटेल, क्या हाल चाल है अजीत? अरे चलो यार, तो गाइस सोशल साइंस का बहुत बेहतरीन छात्र रहे अजीत, और ये अभी जो है लड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए। पटेल कॉलेज में क्या हुआ था बताओ? आज हम लोग के पटेल कॉलेज का स्थापना दिवस है, इसमें सभी छात्र इंटर बीए के अपनी अपनी मांगों को रखेंगे, और जो भी पैसा लूटा गया था, जो अनावश्यक पैसा जो नहीं लगना चाहिए, कि जो जमा करने जा रहे हैं फॉर्म उनको जमा कराई फॉर्म पैसा, नो ड्यूज लगा कर ले लेना, उसके बाद जो सेंटअप एग्जाम का पैसा है जिस तरह से इंटर कर लिया जाता है, और यहाँ पे प्रैक्टिकल का नंबर नहीं दिया जाता है, और ऐसा देखा जाए तो कोई भी कॉलेज में हम लोगों की सुविधाएँ ऐसे कुछ खास नहीं दिया जाता है, और कहा जाता है कि ये बिहार का चौथा रैंकिंग कॉलेज है, जो बाहरी रोड पर नाला बह रहा है, आप उसको कैसे उसको स्टार रैंकिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज अजीत के जो इश्यूज हैं, कंसर्न से, वो बिल्कुल सही है गाइज। तो ही इज टॉकिंग अबाउट बेसिकली पटेल कॉलेज। तो अभी जो आप ये आरटीआई डाले थे, किससे संबंधित? जी आरटीआई हम अपने सूचना का अधिकार चाहते हैं कि कितना पैसा किस हिसाब से लिया जा रहा है, और वो पैसा वापस किया जाए, क्योंकि गरीब और किसानों का बच्चियों का पैसा लेकर इसमें विकास नहीं कर सकते हैं, और फंड जो मिलता है उसका क्या होता है, हमको ब्यौरा चाहिए उसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज जो है पटेल कॉलेज को लेकर जो है बहुत सारी जो है वो इश्यूज और कंसर्न्स जो है अप्रिहेंशंस आ रही हैं, कि वो लोग जो है फालतू जो है पैसे लेकर जो है, और एक तरह से देखा जाए तो एकेडमिक करप्शन जो है, भ्रष्टाचार जो है पटेल कॉलेज में आपको दिखाई देगा। तो यही है अजीत इज फाइटिंग फॉर हिज राइट्स, जो कि बहुत अच्छी बात है गाइज। तो यही है। हाँ अजीत, तो 12 बजे सभी को उपस्थित सभी छात्र संगठन बनाकर हम लोग अपने बात रखेंगे, सांसद विधायक नेता मंत्री। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम रखो, हाँ अधिकारों के लिए एकदम लड़ते रहना, ठीक है अजीत। चलो मिलते हैं, ओके 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 गुड। तो गाइज जो है यहाँ से जो है अब निकलते हैं, आपको दिखाते हैं कि जो है कितनी जो है डर्टी बाइक हो। आप देखो देखो जो है, तो इसको भी जो वहां पर क्लीन किया जाएगा। आप देखो कितनी जो है गंदी हो चुकी है। तो गाइज चलो आज इसकी भी साफ सफाई की जाए। तो रविरंजन रेडी हो ना? रेडी हो? अच्छा ये क्या लिए हो? ब्लॉग बनाने के लिए है। चलो दिव्यांशु बैठा जाए। लॉक हो गया? फुटबॉल उठाओ। लॉक हो गया? चाबी लाओ। चाबी रखे हो? इसका चाबी दो हमें। चलिए तो गाइज निकलते हैं, ठीक है, सिस्टर के जमीन पे। चलो बच्चों बैठो। कौन आगे बैठेगा? तो रविरंजन आगे बैठेगा और दिव्यांशु पीछे। तो गाइस देखो रविरंजन बैठ चुका है आगे, ठीक है, बाय बोलो। चलो दिव्यांशु बैठो, निकला जाए। तो गाइस जो है फाइनली हम लोग जो है सिस्टर के जमीन पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है सभी लोग आए हैं, और मेरे जो है, तो ये देखिए उनकी बाइक हीरो स्प्लेंडर, ठीक है। तो यहाँ दिव्यांशु है, और यहाँ पर जो है सैंड है, बालू, तो बालू को जो है ईंट जो है छुपाया जा रहा है, ताकि जो है ये उड़े नहीं। और ये देखो बाइक, तो बाइक को यहीं पर जो है वॉश किया जाएगा ओवरऑल। और यहाँ पर जो है अभी काम क्या होने वाला है, पर अभी जो आज मीटर सेट होगा और इलेक्ट्रिक जो है कनेक्शन आ जाएगा, और उसके बाद जो है बाकी जितना भी काम है वो सब काम यहाँ पर तो फिनिश हो जाएगा। वायरिंग वाला आज काम फिनिश हो जाएगा, उसके बाद जो है घर के आगे जो है चबूतरा की प्लानिंग हो रही है कि चबूतरा कैसे बनेगा, क्योंकि थोड़ा सा राजमिस्त्री लोग भी आने वाले हैं आज, ये वायरिंग वाले मिस्त्री के साथ साथ वायरिंग वाले मिस्त्री आ चुके हैं जो कल आए हुए थे। तो गाइस चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग करते हैं मस्ती, थोड़ा सा खेलते हैं फुटबॉल, उसके बाद थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, देखते हैं माहौल, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे ऐसे दिव्यांशु तुम इधर हो जाओ, बाबू तुम इधर हो जाओ ना। हाँ तो तुम हमको फेंको पैर से। हाँ तो हाँ, अरे वाह, चलो दिव्यांशु।
तो बाबू को दो, लाओ इधर, लाओ इधर, लाओ बाबू, लाओ 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 लाओ, उससे क्या लाओ, लाओ ना। हाँ तो गाइस जो है धूप बहुत मस्त है, हाँ बहुत ही शानदार धूप है। हाँ जी हमको दो दिव्यांशु, ये लो पकड़ो 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 पकड़ो। तो गाइस जो है तृप्ति नहीं है, तृप्ति अपने नानी गांव गई हुई है, कल स्कूल से ही चली गई, हाँ वही ना गई है। भाई देखो कल जो बड़ा हो रहा था ये रड, आज देखो ये रड सही हो गया है। तो कैसे कैसे कटाया जी है? हाँ तो ढीला नहीं होता, ढीला नहीं होता, ठीक है। हाँ तनी सौरी ऊपर, हाँ हाँ बिल्कुल 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 ऊपर। क्या हालचाल है जी आपका? चलिए सुबह आ गए, बहुत बढ़िया है। अरे ये देखिए ये किसका है, दिव्यांशु का है। अरे ऊपर भी, ये कब लाई साहब? सो प्लांट लाई है तो ठीक है, और भगवान शिव है नहीं, ये कल्हे का लाई है साहब। हाँ तो अच्छा लग रहा है, बढ़िया, गौतम बुद्ध है ना। हाँ अच्छा, सारनाथ से खरीदी थी क्या जब लोग गए थे टूर पर? हाँ तो अच्छा लग रहा है। और बाकी क्या क्या काम हो रहा है, कहाँ है? 1000 का गुलदस्ता, वाह ये सब काम, अरे बाप रे ये सब काम हो चुका है का हो? ये सब काम हो चुका है नहीं? हाँ 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 तो गाइस जो है धीरे धीरे अपना सब काम हो चुका है, स्विच वगैरह सब। चलो 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 तो हाँ हाँ तो कल भी हम दिखाऊंगा, नहीं नहीं ये सब होना गया है। चलो तो ये थोड़ा सा छत पे घूमते हम लोग, आओ बाबू आओ। छत अभी नहीं खुला है, खुला है आज ही, वंशु आ जाओ। तो गाइस देखो थोड़ा छत पे, छत से आपको सीन दिखाते हैं और पूरा सब ये देखो, देखो छत पर मस्त धूप है एकदम। अरे ऊपर भी हो जाता यार, ग्राउंड में ही क्या बाबू, तो जाने दो जाने दो। तो दिव्यांशु कल क्या खाया तुम, कहाँ पिकनिक मना था यहाँ बताओ। तो गाइस दिव्यांशु ना कल पिकनिक मनाया था, कहाँ मनाया था बताओ सब? स्कूल में मना था। तो क्या क्या बना था? हाँ मटन और पनीर, मटन और पनीर, वाह कोई कितना पीस खाया मटन? दो पीस खाया, ओके गुड। तो अब देखिए तो ये जो बगल वाला जो जमीन है, तो जो सिस्टर प्रियंका है उसी की जो, उन्हीं की जो फ्रेंड है वो वाली जो है जमीन ली है यहाँ, तो उनका भी जो है घर बनने जाएगा। और आप इधर देखो पूरा का पूरा जो है गवर्नमेंट जो है बिल्डिंग बनने जा रहा है। आप ये देखो सामने जो जाली ये बाउंड्री दिखाई दे रहा है, ये बाउंड्री जो है सामने, तो ये वो जो जमीन है ये गवर्नमेंट ने ली है। और ये जमीन देखो ठीक है, जो बाउंड्री सामने लगा है, तो ये जो है यहाँ पे सब गवर्नमेंट जो है सब बनने जाएगा, ब्लॉक बनेगा इधर सब। और वो सामने जो है बड़े वाले मौसा का घर बन रहा है, ठीक है। तो ये देखो चारों तरफ हरियाली और कितना जो है मजा आ रहा है, हमको तो वहां से अच्छा ही लगता है, ठीक है। बाबू खेलिए आप लोग। तो गाइस देखिए हमारे क्या नाम बोले थे, गोविंद भाई ना, तो गोविंद भाई जो है और इनके साथ जो है जो और साथी लोग आए हैं, तो ये देखिए एकदम एक्सपर्ट। क्या नाम है आपका जी? शुभम पटेल, अभी जद्दूपुर से ही है। हाँ मोकरी से। तो गाइस शुभम भाई मोकरी से, और आपका जी? अभिषेक। आप कहाँ से हैं? अच्छा भभुआ से ही। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो है पूरा का पूरा काम एकदम लगा हुआ है, ठीक है ना। तो हमको लगा था कि ये सब जो है फिट हो चुका है, लेकिन नहीं, ये सारा जो है सामान निकाल कर मिस्त्री जी लोग यहाँ रख दिए थे बक्से पे, ठीक है। तो यहाँ से जो है एक एक चीज अब लगेगा जहाँ रिक्वायर्ड है, देखो सारा चीज ओके है। हाँ हाँ देख रहे हैं, कल भी दिखाए थे हम, तो काम यहाँ पर जारी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, चलो जी निकलो, चला जाए बाहर, चला जाए। तो गाइस थोड़ा सा चलते हैं और देख, बड़े मौसा हैं, मौसा ठीक है ना, प्रणाम मौसा। तो गाइस इन्हीं का जो है सामने पूरा घर बन रहा है,
और जो सिस्टर ने जो जमीन पे घर बनाया है मौसा का ही जमीन रहा है। हाँ बिल्कुल। और घर पे सब लोग ठीक है ना? चलिए ओके। तो गाइस चलिए थोड़ा सा आपको दिखाते है ना सरसों के, थोड़ा सा चले उधर चला जाए ना हो। हाँ, ऐसे पीछे से होकर चलो आओ आ जाओ चलो। तो थोड़ा सा वहां पर फोटो शूट करने देख रहे हो सामने सरसों, वहां चला जाए आ जाओ जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है, कैसे चला जाए? वैसे वैसे चलो आराम से आना सब। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ अरे वाह। तो गाइज ये देखो ये जो है गवर्नमेंट का शायद है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है सब कुछ रखा हुआ है। और ये देखो क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा का लगा है। वही मनरेगा एमजी नरेगा 2005 का एक्ट था ये और है भी। तो आ जाइए सभी लोग। तो देखो गाय चारों तरफ से जो है गेहूं है और इधर जमीन जो है बहुत ही शानदार है और लुक भी। आइए हम लोग चलते हैं ऐसे और आपको जो है सरसों में दिखाते हैं फोटो शूट और वीडियो करके। तो फाइनली जो है सरसों के अब फील्ड के पास आ गए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक दो थोड़ा फोटो शूट किया जाए। तो आइए क्या हुआ? रुक जा बाबू, तुमको आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो गाइस देखो कितना जो अच्छा लग रहा है चारों तरफ। वाव ये देखो। तो गाइस किस मूवी की याद आ रही है? DDLG दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, यही ना है मस्टर्ड। गाइस मस्टर्ड को रेप सीड बोला जाता है, ऐसे ऑयल सीड जिनका जो है फ्लावर येल्लो होता है दे आर बेसिकली नोन एज रेप सीड। ओके तो यही है मस्टर्ड। और चलिए जो यहाँ पर एक दो करते हैं फोटो शूट। तो देखिए मिस्त्री जी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी? ये वाला कनेक्शन कर रहे हैं। हाँ बोर्ड वाला ना। अच्छा वो लाइट वाला मेन कनेक्शन कब होगा? आज ही होगा। हो जाएगा ना, क्योंकि थोड़ा सा बैकवा धोने आए हैं, फोर्सवा मारेगा तभी ना पाइपा। हाँ लाइटवा जोड़ा जी तब। अब मीटर वाला कब आएगा जी? हाँ कब बजे ले? अच्छा अच्छा देखिए दिव्यांशु क्या लाए हो बाबू? गुआभा। कितना है? दो है। वाह कहाँ से लाए हो? सामने वाले बगीचा से ना। तो गाइस देखिए कितने जो है सपोर्टिव और अच्छे लोग हैं। तो यहाँ देखिए दिव्यांशु ने दो अमरूद लाया। वाह चलो इसको काट के खाया जाए। तो पूछ लो कौन कौन खाएगा। चाकू है अंदर? चाकू है मम्मी। तो गाइस जो है गुआभा है, तो चलिए इसको करते हैं टेस्ट, ठीक है? गार्डियन का फ्रेश फ्रेश है, खाते हैं। बाबू दिवांशु भैया को भी दो। नहीं दिवांशु भैया को भी दो, दिवांशु भैया को भी। बहुत है, थोड़ा सा हल्का सा खट्टा और मीठा है, तो टेस्ट काफी मजेदार है, मिक्स है। चलिए गाइस थोड़ा बिस्किट टेस्ट करते हैं। ये देखिए लोग है, मैंने लोग एक ठो लोगे। तो देखिए मेरे पिताजी हैं आए हुए हैं, एक तिलक भी है आज और कल एक गांव का ही शादी है, तो वहां भी चलेंगे हम और आपको जो है टोटा वहां का भी ब्लॉग जो है बनाकर दिखाएंगे। जो जूली छोटी सिस्टर है उसके घर के पास, ठीक है ना, वहीं पर एक राधे कृष्णा लॉन है, तो वहीं पर जो है शादी है कल। गाँव ही की एक बुआ जी लगेंगी छोटी, तो उन्हीं के जो है शादी में चलना है, वहां भी जो एंजॉय होगा कल रात में, ठीक है? तो सारा कुछ करते हुए पढ़ते पढ़ाते होम ट्यूशन क्लियर करते हुए फिर रात में चलेंगे 9 बजे वहाँ। यानी हमको भी दो बिस्किट, नहीं अकेले केवल खा दो प्लीज। दो 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 एक थो, एक थो। नहीं दो ना दो ना, यही गंदी बात। नहीं नहीं दादा दो बाबू ना प्लीज, नहीं तो इसको फाड़ो।
तुम मत दो ना, जाने दो ना, हमको मिल ना गया। अभी मिस्त्री जो है लाइन जोड़ रहे हैं ताकि चेक भी हो जाए और बाइक भी जो है वॉश हो जाए। हो गाल दीवांशु क्या बेटा। तो गाइस देखो पाइप हम लोग जोड़ चुके हैं बाइक अब किस तरह से। हाँ ठीक है, मारा मारा था भाई, नीचे मार का मारा था, उड़ना जी मन यही फोर्स में समझ लो साफ होला है, मैं कपड़ों नहीं मारे मारे के पड़ी। हाँ तो गाइस देखिए बाइक जो है साफ हो रही है, मारा 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 था, एमे कपड़ा ना मारे के पड़ी, एक बार कर लिया ना तो हमरा के दे दिया हिसाब से उसको वॉश कर लेंगे। बाबू हट जाओ। तो गाइस जो है बाइक ओवरऑल जो है साफ होने जा रही है, तो अच्छी बात है। इधर धूप भी है तो हाँ बोलो। तो जो है साफ हो जाएगी, सूख भी जाएगी तो आराम से निकला जाएगा घर। हो गया चालू हो गया, पास में आ जाओ, पास में आओ ना। हाँ ये देखो प्रेशर। एक आता है नोजल आता है और ही चाहिए। बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी। इसको पूरा का पूरा क्लीन करना है, आ जाओ थोड़ा सा पास में। हटिए तो जा करवा दो मोटर। तो गाइस जो है मेरे मौसा जी हैं, तो अखिलेश और अवकाश भाई के पिताजी हैं, मैं बोल रहा था। और अभी जो मैंने आपको दिखाया पीछे, तो बड़े मौसा हैं जिनका सामने घर देख रहे हो आप। और ये मौसा का जो है अभी घर शुरू हो ना। हाँ तो कब काम लगा था? अरे साइज तो होगी 30 तारीख के, साइज 30 तारीख के पूजा उजा करवा के शुरू करवा जाता हमके बोले यहाँ जा। हाँ 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 मौसा है ना, तो इनका मैं आपको दिखाऊंगा जिस दिन इनका जो है काम शुरू होगा। इनका जो है 25-30 बीघा का प्लॉट ही आपको इधर मिलेगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस डीएवी स्कूल ठीक है, और दुमदुम वाले रोड के बीच में मेन रोड पक्की हो ही गया है। इन लोग का 25-30 बीघा आपको मिलेगा रोड पे ही, समझिए, जो कि डिसमिल पे है। सोचो आज कितना जो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ चुकी है। नहीं तो यही है। और चलिए आपको दिखाते हैं, देखते हैं मिस्त्री जी अब क्या कर रहे हैं। उसके बाद जो है बाइक देख लो हो ही चुकी है साफ। ए बाबू ऐसे इधर आओ, इधर आओ, ऐसे ऐसे आओ, यहाँ इधर आओ, इधर आओ। तो यहाँ पर देखिए मिट्टी वाला काम जो है थोड़ा सा इसको वो किया जा रहा है, प्लेन किया जा रहा है। और देखिए फिर हमारे मिस्त्री जी एकदम ब्लूटूथ लगाए हुए हैं। नहीं देखिए गाना सुनते हुए अपना, देखिए काम में एकदम बिजी हैं ये लोग को, जो है काम से अपना प्यार है, समझिए। अब दो लोग अंदर हैं भाई साहब लोग। तो गाई जी यहाँ से जो है हो चुका है ठीक है ना, 10 बजे करीब हम लोग आए थे, और अभी जो टाइम है वो 11:30 हो रहा है ठीक है। तो हम लोग इंजॉय किए हैं, संडे भी है, तो यहाँ से जो है निकलते हैं अब घर ठीक है। चलते हैं रूम पर, थोड़ा सा अब स्नान उस्नान किया जाए, थोड़ा पढ़ाई वगैरह किया जाए, और जो भी अपना एकेडमिक काम है उसको किया जाए। तो गाई चलो ठीक है, और एक बार आपको और बाइक का लुक दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। तो गाइस देखो ये तो अब सूख चुकी है बाइक, थोड़ा बहुत इसको पोंछ देते हैं ऊपर, और उसके बाद निकला जाए अब रूम पे ठीक है, घर के लिए। चलिए गाइस ऐसे ही ब्लॉगिंग वीडियो के लिए जो है हमसे जुड़े,
थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें गाइस, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।